ये क्या? Oh my. दोस्तों जल्दी सारे यहाँ पर आओ। मिस्टर स्टैमर्स, अंदर कैमरा रखा हुआ है। क्या? तुम क्या बोल रही हो? लेडीज रूम के अंदर कैमरा है, किसी पर्वत ने रख दिया होगा। ठीक है। हाँ। तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, हम इस मसले को जल्दी से सुलझा लेंगे, वो भी अच्छे से। ठीक है, इसमें सुलझाने की क्या बात है, उसमें सारी वीडियो बन रही थी। मुझे मुझे सबको बताना होगा, वो भी अभी। यहाँ पर देखो, वो कैमरा यहीं पर रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं लग रही, कसम से वो यही था। क्या ये तुम्हारा कोई मजाक था? बहुत बढ़िया, हजारों औरतें किसी ना किसी चीज से लड़ रही हैं, और जेनी को मजाक करना है, तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? पर वो कसम से यही था, यहाँ सच में एक कैमरा था। पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। यहाँ क्या चल रहा है? हेलो लेडीज, हाय, मैं जा सकता हूँ? जेनी, मैंने तुम्हें कहा था कोई जल्दबाजी मत करना, कहा था? चुप करो। जी पर। मेरे ऑफिस में आओ, अभी, इसी वक्त। ठीक है। जेनी, 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 जेनी। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? सर, मैं सच कह रही हूँ, कैमरा वही था। चीजें एकदम से गायब नहीं हो सकती, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। अगर किसी ने उसे हटा दिया। बस करो, बहुत सुन लिया मैंने, बैठ जाओ। तुम्हें पता है जेनी, मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है। शायद तुम बहुत ज्यादा काम करती हो जेनी, और तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? थोड़ी कॉफी पियो, बुक पढ़ो, और फिर तुम वेंट में लगे कैमरा के बारे में सोचना बंद कर दोगी। जी, आप सही कह रहे हैं, वो शायद मुझे आराम चाहिए या फिर छुट्टी। पर रुको बॉस, मैंने आपको वेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने नहीं बताया कि वो कैमरा वेंट में छुपा हुआ था, मैंने बस ये कहा था कि वो लेडीज रूम में है ना? आपको वेंट के बारे में कैसे पता चला? किसी ने मुझे बताया था इसके बारे में, शायद सारा। ओ नहीं, वो आप थे जिसने लेडीज रूम के अंदर कैमरा रखा था। क्या? और जब मैं सभी के पास उनको बुलाने गई थी, आपने उसे वहाँ से हटा दिया। ये बकवास है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, और फिर ये वीडियो सब देख लेंगे। दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। ये मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा है। बुरा सपना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे फोन पे ये वीडियो एकदम बेकार है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये तो बहुत अच्छी वीडियो है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये ऑफिस मेरा है, ये बाथरूम मेरा है, और तुम मेरी एम्प्लॉई हो, इसलिए मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ी। आपको लगता है आप मुझे ब्लैकमेल करोगे? मुझे परवाह नहीं है, ऑफिस में ये वीडियो सभी को दिखाओ, ठीक है? सच में? सच और में। तुम्हारी फैमिली को? हाँ। तुम्हारे सोशल मीडिया वाले दोस्तों? जैसे को? आप चाहो। तुम्हें पता है क्या, मैं इसे अपलोड करूंगा किसी अडल्ट साइट पर, और किसी को भी पता नहीं चलेगा। पुलिस ये संभाल लेगी, ठीक है? तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम एक बहादुर औरत हो। क्या तुम बाकी लड़कियों की जिम्मेदारी लोगी? ये है सारा, सही है ना? तो तुम क्या सोच रही हो कि मेरे पास सिर्फ तुम्हारी वीडियो है? और सारा की जल्द ही शादी होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है कि उसका दूल्हा ये वीडियो देखकर खुश होगा? ये है मार्था, मुझे पता है कि मार्था शादीशुदा है, उसका एक बेटा है, और मुझे यकीन है कि उसके दोस्त बहुत जल्द उसके लिए निकनेम्स सोचने लगेंगे। तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? क्या तुम अभी भी पुलिस को बोलोगी? खैर ठीक है, पुलिस को कॉल करो, और उसी वक्त ये वीडियो नेट पर होगी। ठीक है, तुम अब चाहते क्या हो?
दोस्तों, क्या आप मेरी बात सुनोगे? आज एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा कि मैंने एक कैमरा देखा लेडीज बाथरूम में, बस इस कारण क्योंकि मैं बुरी औरत हूँ और मैं बस सबकी अटेंशन चाहती थी। वो बस मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था और शायद मैं थक गई थी, और तो मैंने ये स्टोरी बनाई ताकि तुम सभी को पागल बनाकर मैं खुश हो सकूं। बस यही कारण था, तो मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना। और अब से जैनी यहाँ पर काम नहीं करेगी। ओह क्या, पर हमने ये एग्रीमेंट नहीं किया था ये तुम क्या कह रही हो? एग्रीमेंट? एग्रीमेंट, हाँ। डील? क्या बोल रही हो? हमने कोई भी डील नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा अभी तो कैसे हमने कर सकता बात हूं? की। तुम मुझे बहुत बड़ी झूठी और चालाक औरत लगती हो। तुम्हारे जैसे लोग इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तुम बहुत बुरे हो। बुरा? और मैं? हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो तुम क्या सोच रही हो? क्या कोई बात है जो तुम बताना चाहती हो सारा को, या शायद मार्था को? मैं कहना चाहती हूं, दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे जाकर अपना सामान पैक करना होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। चलो ठीक है, तो सारे अपना अपना काम करो प्लीज। हाँ शुक्रिया, शो खत्म हुआ। चलो चलो, आप भी चलो, आप भी चलिए जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। हाँ मैं जाती हूँ, पर सच बताऊं मुझे तुमसे बात करनी है। कौन सी बात? शायद तुम्हें मुझे नौकरी से निकालने का फैसला बदलना चाहिए। और ऐसे काम से मुझे क्या मिलेगा? फिर मैं वादा करूंगी कि मैं बहुत अच्छी लड़की बन के रहूंगी। और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने बाथरूम में कैमरास छुपाए? ओ नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। असल में मुझे भी कैमरास और अटेंशन पसंद है। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि तुम सभी लड़कियों पर नजर रख रहे हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उप्स। तो ये हमारा छोटा सा सीक्रेट रहेगा। पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ऑफिस में सभी को पता चल चुका है। क्या पता चल गया? ओह, यहाँ क्या हो रहा है? रुको रुको रुको, ये क्या? देखो इसने मुझे ललचाया था। ओके, आपने सब सुना ना? हाँ बिल्कुल, और हमने बाथरूम में रखे कैमरा की भी बात सुनी। कैमरा? कौन सा कैमरा? मेरा फोन कहाँ गया? क्या हुआ? पर चीजें अपने आप कैसे गायब हो सकती हैं? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली हो, तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। मेरा मतलब है सबके साथ। हाँ शायद तुम जैसे लोग लड़कियों का फायदा उठा सकते हैं जब वो अकेली हो, पर जब हम सब साथ हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गर्ल्स, मेरा मतलब बस भी करो, ये बस एक गलत फहमी है। मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल, तुम सब कुछ पुलिस को बताना, और जब तक तुम इंतजार कर रहे हो शायद तुम्हें इन सब से बात करनी चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा हस्बैंड। रुको दोस्तों, ये एक गलत फहमी है, मेरी बात सुनो। ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे फोन में ये वीडियोस कैसे आई,
ये एक मजाक था, ये सुनो मेरी बात सुनो। उफ, मेरा विश्वास और मेरा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। बहुत बढ़िया कि तुमने हमें सब कुछ बताया। लड़कियों को इन जैसे आदमियों के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बॉस की जॉब के लिए किसी की जरूरत पड़ी। और मुझे एक कैंडिडेट के बारे में पता है जिसके साथ हम सब हैं।